हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। और कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत बढ़िया होगे। आज जीतिया का दिन है, मतलब आज जीतिया है और मम्मी और मेरा फास्ट है, निर्जला फास्ट है। इवनिंग का टाइम है, इवनिंग बोले तो 5:30-6:30 का टाइम रहा होगा। और यहाँ पे हम लोग रेडी हो गए हैं और पूजा की हो रही है तैयारी। तो मैंने सारा फ्रूट्स वगैरह वॉश कर लिया है और अब यहाँ पर पूजा स्टार्ट कर लेते हैं। जितिया व्रत हमारे साइड में संतान के लिए किया जाता है, तो सुबह से ही हमने निर्जला थे, मतलब बिना को कुछ खाए पिए हैं। और शाम को हमने नहाया धोया है और यहाँ पर डुगु बनाना खा रहा है। लेकिन मतलब आप लोग कंफ्यूज ना हैं, जो चढ़ाने का मतलब भगवान को जो प्रसाद के रूप में चढ़ाने का था वो बनाना अलग था और वो जो खा रहा है वो अलग था। और मैं ये एक्सप्लेन इसलिए कर रही हूँ क्योंकि बहुतों को ऐसा लग सकता है कि मैं पूजा के लिए भी रखी हूँ और डुगु खा रहा है, तो इसलिए मैंने एक्सप्लेन कर दिया। तो हाँ, यहाँ पर हो रही है पूजा, बेबी सो रही है और हस्बैंड भी आज घर पे हैं क्योंकि संडे का दिन था, 18 सितंबर को जितिया था। और मम्मी भी रेडी हो गई हैं, तो फटाफट से पूजा कर लेते हैं। और ऐसा था कि पूजा का कुछ पर्टिकुलर टाइम था, फिर नौमी लगने वाला था, अष्टमी के दिन जितिया की जाती है। और यहाँ पर मम्मी से मैं पूछ पूछ के पूजा कर रही थी कि कैसे होता है। तो खीरे में जितिया को ऐसे कवर करके किया जाता है, हालांकि ये ना तुरई के पत्ते पे की जाती है, पर यहाँ पर पत्ता अवेलेबल नहीं था। सो हमने मतलब जो कुछ भी अवेलेबल था उसके अकॉर्डिंग ही किया है। और ये पूजा नदी के किनारे की जाती है, पर शहरों में ये सब पॉसिबल नहीं हो पाता है। मैं तो हर साल अलग अलग सिटी में रहती हूँ, तो जब जैसी पॉसिबिलिटी होती है उस हिसाब से मैं पूजा कर लेती हूँ। और यहाँ पर मेरी क्यूटी पाई भी सो रही हैं। और सुबह से डुगु भी इस पूजा को लेके बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड था क्योंकि मैंने उससे बताया था कि बेटा मैं ये व्रत आपके लिए और छोटा बेबी के लिए कर रही हूँ, तो वो बहुत ही खुश हो रहा था। और आप देख सकते हो कि मम्मी और मेरे बीच में वो भी बैठा है। आजकल डुगु का ना पूजा में बहुत ही ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट होता है, वो बहुत इंटरेस्ट लेता है चीज़ें जानने में, समझने में। तो यहाँ पर वो भी हमारे साथ कथा सुन रहा था। और जितिया व्रत की कथा की जो पुस्तक होती है ना, मतलब किताब, वो हमारे पास नहीं थी तो हमने मोबाइल से ही सुन ली थी। तो डुगु भी यहाँ पर बैठा हुआ है और बहुत दिनों के बाद पूजा करके ना मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा था। काफ़ी दिनों बाद मैं पूजा कर रही थी। लास्ट टाइम मैंने पूजा किया था जब, जिस दिन मेरी डिलीवरी थी, मैं पूजा करके ही हॉस्पिटल में एडमिट हुई थी। और उसके बाद आज कर रही हूँ मैं पूजा। पूजा बहुत अच्छे से सम्पन्न हो गया। और मैं तो जो भी पूजा होता है घर पर ही करती हूँ, आपने मेरे लास्ट सारे वीडियोज़ में देखा है, मैं कहीं भी बाहर मंदिर नहीं जाती हूँ। तो यहाँ पर फाइनली पूजा संपन्न हो गई, आरती भी संपन्न हो गया और हम लोगों ने एक दूसरे का आशीर्वाद लिया। मतलब मम्मी बड़ी थी तो सबने मम्मी का आशीर्वाद लिया। डुगु ने दादी, मेरा और हस्बैंड को प्रणाम किया। और पता है पूजा करने के बाद बहुत ही अच्छा लगा। और शादी के बाद पहली बार मैंने देखा है कि जितिया पर हस्बैंड और मम्मी एक साथ हैं, तो काफ़ी अच्छा लग रहा था, मम्मी बहुत खुश थी। तो हो गया है हमारा पूजा पाठ, हमने पूजा कर लिया। और सुबह में कुछ भी ऐसा ब्लॉगिंग करने लायक था नहीं क्योंकि निर्जला व्रत है, ना कुछ खाना है ना कुछ पीना है, तो बस हम अपना टाइम काट रहे थे। और मैं आप लोगों को बता दूं कि मैं फीड करा रही हूँ इस वजह से कि क्या मुझे लग रही है बहुत ज़्यादा प्यास। पर हाँ, तो नाइट हो गया है तो किसी तरह मैं ये रात झेल लूंगी। तो पूजा हो गया है और जो जिस जीतिया की पूजा हुई है ना, वो मतलब डुगु में टच करके और छोटा बेबी में टच करके मैं अभी पहन लूंगी, तो वो अभी नहीं हुआ है। तो पहले मम्मी को देंगे और फिर खुद पहनेंगे। और मैंने ये साड़ी पहनी है और इस बार ना तीज में जितिया में नई साड़ी पहनते हैं, पर इस बार मैं कोई भी नया नहीं पहन पाई क्योंकि तीजा में तो पूजा नहीं करना था इसलिए नहीं पहनी, और जितिया में इसलिए नहीं पहनना क्योंकि मैंने कोई साड़ी रेडी करा ही नहीं था ना खरीदा था, तो बस पुरानी ही साड़ी पहन ली। पर इट्स ओके, क्या कर सकते हैं। और ऐसी कुछ लग रही, मैं कुछ भी मेकअप वगैरह कुछ नहीं किया, बेबी रो रही थी, ये देखिए। पर ये मेरी बहुत ही पुरानी शादी के टाइम की साड़ी है और ब्लाउज मम्मी की है क्योंकि मेरा कोई ब्लाउज मुझे अभी फिट नहीं आ रहा है क्योंकि अभी मैं काफी मोटी हूँ। और बेबी रो रही है, मैंने उसको फीड कराया है, पता नहीं क्यों रो रही है, वो सोएगी, उसको करनी है मालिश भी। तो फटाफट से ये साड़ी वगैरह भी मैं चेंज करूंगी। तो मम्मी की ब्लाउज थोड़ी सी लूज है तो मैंने यहाँ पे पिन से टाइट कर लिया है। तो ये है मेरा लुक। और कल से मैंने शैम्पू किया पर हेयर को कॉम नहीं किया है इसलिए जूड़ा बना लिया सिंपल सा। सो चलिए फटाफट से पहन लेते हैं जितिया, मम्मी को देते हैं और फिर खुद भी पहन लेते हैं। तो यहाँ पर भगवान पे जो मैंने जितिया चढ़ाया था
वो भगवान से लेकर, और मैं डुग्गू और छोटा बेबी को पहनाऊंगी, और मम्मी का जो जितिया है वो हस्बैंड के, मतलब हस्बैंड पहनेंगे और उसके बाद मम्मी पहनेंगी। तो ऐसा ही होता है, जो जितिया होती है उसकी पूजा करने के बाद सबसे पहले जिसके लिए आप व्रत किए हैं उसे टच करा के और फिर माँ पहनती हैं। चेंज तो चेंज कर लिया क्योंकि साड़ी कैरी करना बहुत ही मुश्किल हो रहा था, और बेबी अभी सो रही है उसे करनी है मालिश। तो बस सुबह सुबह मैंने कुछ सूट नहीं किया क्योंकि ऑब्वियसली हमें कुछ ऐसा करना नहीं था, निर्जला व्रत था तो बस हमें अपना दिन काटना था। सो हमने अपना दिन काटा जैसे तैसे। और मैं आप लोगों को बता दूं कि मुझे ना मॉर्निंग से ही प्यास लगी है, मतलब मुझे मॉर्निंग से ही पानी वाला फील आ रहा है कि मुझे प्यास लगी है, तो क्या कर सकते हैं। तो जितिया का व्रत बिल्कुल निर्जला होता है। और अभी क्या है, मैं चना सूप करूंगी और काली साबुत उड़द। सुबह सुबह उठ के और सबसे पहले चने और उड़द को निगलना होता है, बिना चीव किए हुए पानी पीना होता है, देन व्रत तोड़ना होता है। ये व्रत हमारे साइड में संतान की दीर्घ आयु के लिए करते हैं, मानते हैं कि ये व्रत करने से बच्चों की उम्र जो होती है वो बहुत ही लंबी होती है, तो इसी चीज़ को बिलीव करके हमारे यहाँ किया जाता है, मैंने भी किया है। तो जितिया भी मैंने डुगू को पहनाया है, थोड़े टाइम बाद मैं उसे पहन लूँगी मॉर्निंग में या फिर अभी थोड़ी देर से। तो यही सब है, जितिया बहुत ही कठिन होता है। और पता है बेबी फीड कर रहा है ना तो मुझे बहुत ही वीकनेस लग रही है। मम्मी हालांकि बोल रही है कि तुम पानी पी लो, और मैं उनको बोल रही हूँ क्योंकि उनकी तबीयत अभी ठीक नहीं थी, तो मैंने उन्हें भी बोला कि आप पानी पी लो, तो बोली नहीं मैं रह जाऊँगी तुम पी लो, लेकिन मैं भी सोच रही हूँ कि नहीं मैं रह जाऊँ, तो अब लगता है कि शायद रह लूँगी, लेकिन मैं ज़्यादा आप लोगों से बातें करूँगी ना तो फिर थोड़ी सी मुश्किल हो जाएगी। तो मैं जानती हूँ कि इस वीडियो में बहुत ज़्यादा कुछ सूट नहीं किया क्योंकि एज मच कुछ दिखाने लायक था नहीं, और बेबी के होने की वजह से मैं थोड़ा सा और ब्लॉगिंग कर सकती थी, पर बेबी के होने की वजह से क्या ना इतना बिजी हो जाता है ना, बैक टू बैक इतने सारे काम हो जाते हैं ना तो नहीं टाइम मिलता है। देखो मैंने नेल पेंट्स तक नहीं लगाया है, जल्दी जल्दी फटाफट से मैंने बस साड़ियाँ पहना और रेडी हुई, और बस महावर लगा लिया था, ये देखिए पाँव में मेरे महावर लगे हुए हैं, मम्मी को भी लगाया, और कपड़े वगैरह चेंज कर ली हूँ, साड़ी यहीं पे रखी हुई इसे फोल्ड करूँगी रखूँगी। और अभी मैं कुकिंग नहीं कर रही हूँ, डुग्गू और हस्बैंड खाने वाले हैं, तो मैंने बोला बाहर जाके आप लोग कुछ खा लो क्योंकि मेरा मन नहीं कर रहा कुछ भी करने का, कैसे तैसे सो जाऊँगी, बेबी की करूँगी मालिश। सो चलिए, और आप लोग बताइएगा कि आप लोगों में ये जितिया व्रत होता है कि नहीं होता है, और अगर ये नहीं होता है तो संतान के लिए कोई और व्रत होता है कि नहीं होता है। और फिलहाल मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करूंगी। अगर वीडियो आपको थोड़ी सी भी अच्छी लग रही होगी ना तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट। और ये चंदन है और ये महावर जो मैंने लगाया है वो है, तो चलिए मिलते हैं, होप करूंगी कि बहुत जल्दी मिलूं क्योंकि अभी रूटीन में आने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, पर फिर भी मैं ट्राई कर रही हूँ, मैं बहुत ही पॉजिटिवली ले रही हूँ क्योंकि बोलते हैं ना कि इंसान पे जितना ज़्यादा काम आता है अगर आप उसको पॉजिटिवली लो तो बहुत जल्दी हो भी जाता है। तो मैं भी जल्दी ट्राई करूँगी कि मैं अपने पुराने रूटीन में आ जाऊँ, मेरा बहुत मन भी कर रहा है, बहुत दिनों के मैं बाहर नहीं गई, मेरा बहुत मन हो रहा है मैं बाहर कहीं घूमने जाऊँ, तो मैं बहुत ही जल्दी प्लान कर रही हूँ कि कहीं घूमने जाऊँ, मतलब दूर नहीं पर आसपास कहीं जाऊँ। चलिए बहुत बोल रही हूँ, फाइनल वाला बाय बाय, गुड नाइट।